गरीब के तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, अमीरों के ही बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे छोटे छोटे दारू पी रहे हैं, ये चीज उनको समझनी चाहिए ना। वो जिस समय इलेक्शन चल रहा था मैंने उनको तो एक दो बार समय देखा था यहाँ पर, उसके बाद मैंने आज तक नहीं देखा। क्या नाम है आपका? गर्मी बहुत हो गई एकदम से है ना, क्या करें। पानी की बोतल साथ लेके घूम रहे हो आप? सही है, गंदा पानी आता तो क्या करें, ये तो लेके चलना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत कम करके लेने के चलना ही पड़ेगा। बच्चों को कोई देखभाल नहीं है रही, स्कूल में बिल्कुल भी नहीं है रही है, बिल्कुल भी ले जाकर यहाँ से बच्चा यहाँ नहीं भरा जाएगा जी, बच्चा यहाँ नहीं पड़ेगा, बच्चा वहाँ नहीं पड़ेगा, है ऐसे करते हैं। कहीं फार्म लेके जाओ तो यही करते हैं, वो करते भी हैं तो क्या है, वो फीस किताबें इतनी महंगी होंगी, इतनी ड्रेसें महंगी होंगी, कहाँ से गरीब आदमी कहाँ से लाएगा भाई बताओ, अब नहीं जा सकते ना। गरीब के तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, अमीरों के ही बच्चे पढ़ेंगे, गरीबों के नहीं पढ़ेंगे। तो इतनी बात कर रहे हैं कि इतने सारे स्कूल खुलवा दिए, इतने स्कूलों को बढ़िया स्कूल वहाँ, अगर ऊपर कर्मचारी बैठे उनको तो करो ना, तो टाइट उनको तो करो ना, ऐसे तो उन्होंने सब कुछ सार्वजनिक कर दिया, साधन उनके ऊपर कोई डंडा नहीं होता, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। समस्या क्या है स्कूलों में, क्या बच्चों को एडमिशन नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, दिक्कत क्या है? दिक्कत तो यही है बच्चों को पढ़ाई नहीं, कहीं भी चलेगा पढ़ाई नहीं। शिक्षा के ऊपर बोलता कि शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है स्कूलों में, ऐसा कुछ नहीं है, स्कूलों में जाके देखो कुछ नहीं हो रहा, पार्क जाके देखो, पार्क ठेके जाके देखो, ठेके ऐसे बनाए गए हैं जैसे मतलब कि शोरूम बने होते हैं, बच्चे छोटे छोटे दारू पी रहे हैं, ये चीज़ उनको समझनी चाहिए ना केजरीवाल को। और बाकी देखो पार्कों में कितना गंदा, हर पार्क में इतना गंदा, अभी उसने किया गया जब से जीता है, पार्कों में कोई काम नहीं, किसी चीज़ का कोई काम नहीं, और जो बना हुआ उसी को बनाया जा रहा है, और जो राजकुमार चौहान ने किया उसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता जी। सर मैं यही कहूँगी कि जब से तो बोलते हैं कि इतने सारे स्कूल बनवा दिए, इतने बढ़िया काम हो रहा है स्कूलों का, दिल्ली नगर निगम के स्कूल कह रहे हैं कि बढ़िया कर देंगे 5 साल में, कहीं नहीं बना, हम लोगों ने तो देखा नहीं, जब से आम पार्टी आई तब से कोई काम ही नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ, जो राशन बढ़ता था अब तो वो भी बंद हो गया, कोई काम नहीं है, आम पार्टी कलामा एक बोलेंगे कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। हाँ जी भाई साहब, आप अपना बढ़िया सही अपना शांति से बैठे हो, यहाँ बड़े शांति से बातचीत हो रही है, आप यहीं रहते हैं आसपास? जी मैं यहीं रहता हूँ, मेरा नाम पंकज कुमार है। यहाँ क्या है, आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी के सपोर्ट नहीं, में पब्लिक के लिए खड़ा हूँ यहाँ पर आपकी सुनने के लिए। यस, तो आप फिर फैक्ट बताएं कि यहाँ से इधर की तरफ जो लोग खड़े हैं, जो राजकुमार चौहान जी की बात करते हैं कि सब खराब हो गया, पहले सब ठीक था, इधर कुछ कह रहे हैं कि पहले सब खराब था अब सब ठीक हो गया, वो लग रहा है राजनीतिक। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ जो हमारे क्षेत्र के जो विधायक है मुकेश सलावत जी, वो जिस समय इलेक्शन चल रहा था मैंने उनको तो एक दो बार समय देखा था यहाँ पर, उसके बाद मैंने आज तक नहीं देखा, और शायद मेरे मोहल्ले में सैकड़ों लोग हैं उन्होंने भी उनका चेहरा भी नहीं देखा अभी हमारे यहाँ पे आकर, तो हम कैसे कह दें कि अब सीटिंग विधायक सही है? हमारे हिसाब से सही नहीं है, जहाँ मैं रह रहा हूँ आप ही मेरे साथ चल के देखिए बहुत बुरा हाल है वाई ब्लॉक में। यस, मैंने आज तक नहीं देखा उनको यहाँ पर अपने।